वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ भाई साहब इतने नारे, देश तो कब का आजाद हो गया प्यारे? भाई साहब अब ना तो किसी का शोषण होता है, बच्चा बूढ़ा युवा प्रत्येक निश्चिंत होकर सोता है। भाई साहब यही तो हम बताना चाहते हैं, आइए आपको आजाद भारत का नक्शा दिखाते हैं। जी बहन जी, कम से कम कूड़ा कूड़ेदान में तो डालो, आजाद भारत का नक्शा ना बिगाड़ो। ज्यादा ना बोलो, जाकर फिर से नहा लो। देखा, अपना घर तो साफ रखती है जनता, क्या गलियों सड़कों को साफ रखना कर्तव्य नहीं बनता? जी हाँ, अपनी आराम की भूल भुलैया में ना भूलें, स्वार्थी बनकर अपने झूले में ना झूलें। देश के लिए जन जन की भागीदारी को जाने, देश की पहचान हम से है, यह है पहचाने। ये तो केवल एक दृश्य है, पर क्या ये आजाद भारत का भविष्य है? तुम सही कह रहे हो, ये है मेरा देश महान, हो अगर तो सबको समझाओ, वतन ही हमारा इसको चमकाओ। आइए आपको और आगे ले जाते हैं, आजाद भारत का नक्शा फिर से दिखाते हैं। वैसे भी एक वोट न डालने से क्या बिगड़ जाएगा, सरकार जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसका रवैया क्या बदल जाएगा? मैं पूछती हूँ, अपने भारत को साफ रखना, मतदान करना, नियमों का पालन करना, क्या कर्तव्य हमारा नहीं बनता? ऐसे आजाद भारत की कामना तो बापू ने ना की थी, अंग्रेजों की मार हमारे शहीदों ने यूं ही सही थी। फिर हम सरकार पर उंगली उठाते हैं? मैं पूछता हूँ, खुद तो कर्तव्यों को निभाते हैं नहीं, बस सरकार को दोषी बताते हैं। पानी ना आए तो सरकार को दोषी बताएं, भले ही पानी आप व्यर्पा है। दुर्घटना होने पर सड़कों पर नारे आप लगाएं, ऐसा क्यों कि कर्तव्यों से पहले अधिकारों की याद सताएं। समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना होगा, पुनः जन जन की भागीदारी को याद दिलाना होगा। तो आइए प्रण लेते हैं, अधिकारों के पूर्ण कर्तव्य को निभाएंगे। हर तरफ सुख समृद्धि वे लोगों से कर्तव्यों की आशा, आजाद भारत के नागरिकों को समझाएंगे आजाद भारत की परिभाषा।